दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक थ्री फेज सप्लाई से तीन बल्ब्स को कैसे चलाना है और हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल अगर अवेलेबल नहीं है तो कनेक्शन कैसे करने हैं। ये तीन फ्यूजेस हमारे पास आ रहे हैं और ये TPIC स्विच का बॉक्स है, इसमें से हमें तीन बल्ब चलाने हैं। लेकिन न्यूट्रल ना हो तो हम कनेक्शन किस तरह से करें ताकि हमारे 220 के बल्ब जो हैं वो आराम से चल सकें। और ये जो अरेंजमेंट है ये हमारे इस काम आता है कि अगर कोई मोटर की सप्लाई में से एक फेज़ अगर चला गया है तो हमें यहाँ पे पहले ही इंडिकेशन मिल जाएगा और हम मोटर को सिंगल फेसिंग से बचा सकते हैं। ये तो सिंगल फेसिंग के केस में, बाकी दो फेजेस में करंट बढ़ने वाला है और उससे मोटर को डैमेज हो सकता है, उसकी वाइंडिंग चल सकती है। तो ये तीन बल्ब हमने यूज़ किए हैं और इनके हमने एक कॉमन पॉइंट बना के इनको कनेक्ट किया है और जो तीन वायर है उनको हमने फ्यूज़ पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो इसको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है और कोई भी लोग जो पंप के साथ मोटर्स के साथ काम करते हैं वो बड़े ही आराम से इसे बना सकते हैं। मैं आपको खोल के इसके कनेक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। आपने एक ऐसा एक होल लेना है, उसमें तीन होल्डर लगवाने हैं और उन होल्डर्स के बैक साइड में होल्डर के हर होल्डर के साइड की एक साइड को शॉर्ट कर देना है। ये आपस में तीनों होल्डर जो है वो शॉर्ट कर दिए, ये कॉमन पॉइंट बन जाएगा हमारा। और जो अदर थ्री पॉइंट्स हैं उनसे आपने वायर कनेक्ट करके फ्यूजेस के बाद में कनेक्ट करना है, इसके बाद में कनेक्ट करना। आप अगर फ्यूजेस से पहले कनेक्ट कर देंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि अगर फ्यूज़ हमारा ब्लो हो गया तब भी हमारे बल्ब चलते रहेंगे। बड़ा ही सिंपल तरीका है और ये मोटर और मशीन्स के थ्री फेज रूट्स के लिए हमारे बड़े काम आने वाला है, क्योंकि सिंगल फेजिंग होना हमारे लिए काफ़ी रिस्की रह सकता है। एक और चीज़ अगर हमें जो इससे पता चलती है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर तीनों एक ही तरह के बल्ब लगा दिए, तो अगर किसी बल्ब की ब्रिलियंस कम आ रही है, उसकी ब्राइटनेस अगर कम है, तो लो वोल्टेज का भी हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है कि किसी एक फेज़ में लाइट जो है या वोल्टेज वो कम आ रही है। क्योंकि अगर तीनों फेज में वोल्टेज एक जैसी रहेगी जो कि डिज़ायरेबल है तो लैंप्स भी एक जैसे ही ग्लो करेंगे। आप आराम से सर्किट को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही कनेक्शन डेल्टा में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रन, कीप रन।